वहीं त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई का असर अब सीधे आमजन की जेब पर पड़ रहा है। एक ओर जहां धनतेरस और दीपावली पर ग्राहकों की आमद से बाजार सजे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाजार तक जाने वाले लोगों के जेब पर भार पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली 2024 पर लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। बाजार में इस बार दिवाली पर उपयोग होने सामान की कीमत करीब 20% तक बढ़ गई है। पिछले वर्ष जहां मिट्टी के दिए 70 रुपए के एक दर्जन मिलते थे, वहीं अब इनकी कीमत 100 रुपए हो गई है। इसके अलावा 10 मीटर वाली बिजली की झालर की कीमत 50 से 70 रुपए हो गई है, जिसके चलते पिछले साल की तुलना में इस बार बाजार में रौनक कम देखी जा रही है। महंगाई की मार को लेकर अनादि टीवी ने राजगढ़ में दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की। महंगाई इतनी बढ़ गई है, दिन पे दिन सोने और चांदी के भाव इतने बढ़ रहे हैं, हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, सोने चांदी नहीं। और हमारा व्यापार ऐसा हो गया है कि आज अगर 2000 कम है तो कल 2000 ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें तो व्यापार करने में भी बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज, कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं। कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं कि मान लो कल उसे 500 रुपए की चीज मिलती थी, वही आज उसे वही 1000 रुपए की मिलती है, तो भाव सुन के ही कस्टमर वापस रिटर्न होता जा रहा है। त्रिलोक कुमार नेजर, आपकी किराने की दुकान है, हम देख रहे हैं इस बार गिरावट कैसे चल रही है आपकी? पिछले साल के मुकाबले 50% घटा। क्या कारण है? इसका कारण ये है कि तो फसलें खराब हो गई, दूसरा क्या है कि किसानों की सोयाबीन का भाव कम हो गया और उसमें तेल में आया, क्योंकि केंद्र सरकार ने लगा दी तो तेल के भाव महंगे हो गए, नाजिल की आवक नहीं है तो नाजिल महंगे हो गए, किसान परेशान है, किसान को जो दाम मिलना चाहिए वो दाम नहीं मिलता, उस वजह से व्यापार का असर है। इधर व्यापारी संगठन के अध्यक्ष राजेश पांडे ने बताया है कि व्यापारी जीरो के पट्टे पर काम कर रहा है और महंगाई बहुत ज्यादा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की तनख्वाह निकालना मुश्किल हो गया है। वहीं तेल, दाल, आटा, बेसन, शक्कर व अन्य उत्पाद के भाव आसमान पर बढ़ रहे हैं, इसी कारण इस बार ग्राहकों में रुचि कम देखी जा रही है। उनका कहना है कि साल 2023 में व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन इस बार सीजन बहुत डाउन है। वहीं स्मार्ट बाजार के खुलने से भी आम उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। अंतर बहुत ही अंतर है, अगर मैं वस्तु स्थिति बताए तो व्यापारी अपने जीरो के पटल पर अपना व्यवसाय कर रहा है। स्थिति ये है, एक तो महंगाई बहुत हो चुकी है, तेल के भाव निरंतर बढ़े, चना दाल के भाव निरंतर बढ़ रहे हैं, तुअर दाल अप डाउन जा रही है, कभी नीचे जा रही है कभी ऊपर जा रही है, तो आम आदमी को महंगाई का सामना तो करना पड़ रहा है। और वस्तु स्थिति ये है कि ये अपना बहुत बड़ा महापर्व है दीपावली, उसके अनुसार यदि मैं देख रहा हूँ निरंतर, तो व्यापार हमारी दृष्टि से तो बहुत ही कमजोर हो चुका है। हम लोगों के मतलब कर्मचारियों की तनख्वाह निकालना मुश्किल हो पा रही है, दुकान का किराया रेंट भी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, कि सुबह से शाम हो रही है, सफाइयों में लग रहा है, लेकिन ग्राहकी कुछ भी सामान महंगा मिलता है। तो अब एक ट्रैक्टर का मिट्टी है नी, 3-4 हज़ार की तो ट्रैक्टर मिट्टी आती है, उसके अंदर है नी ये एक ही भी चीज बनाते है नी तो 10 बार हाथ में निकलते है ये। ओके बाद में लीथ का कट्टा एक आता है नी, सीमेंट का कट्टा 100 रुपये में देता है, ओके बाद में नी कंडा 4 रुपये का मिलता है। ग्राहकों का कहना है कि महंगाई ने इस बार त्योहारों की खुशियां कम कर दी हैं। ग्राहकों का कहना है कि इस बार दिवाली की खरीदारी के लिए हमें काफी सोचना पड़ रहा है। दाल, चावल, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इस दिवाली पर महंगाई ने न केवल व्यापारियों को प्रभावित किया है, बल्कि आम जनता के त्योहारों के उत्साह को भी कम कर दिया है। कारण यह है कि पिछली बार जो 2023 में जो खाद सामग्री का जो रेट थे वो इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इस कारण क्या बाजार में जो रौनक होना चाहिए वो ना के बराबर है अभी तक, तो जो हम देखते आ रहे हैं। अब आगे पता नहीं क्या होता है, बाकी हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से तो बहुत लग रहा है कि कौन कौन से ऐसे सामान है, चाहे हम किराने में देखें, आम दिनचर्या में जो यूज़ होते हैं, जिससे सीधा इफेक्ट जनता थोड़ा हिसाब क्या मानते हैं, कौन कौन सामान से? अब दूध, दही, दूध भी देखो तो आप बहुत महंगा हो गया है, और मावा, पनीर सभी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई, साथ खाद सामग्री में बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई है, तेल में, अन्न में, हमारी फसल में जी भाव कम हो गई है,
और इसमें सब में तेल फूल में सब में भाव बढ़ा दिया। कौन कौन से ऐसे सामान है जिनके भाव ज़्यादा लग रहे हैं? तेल का, नायल का, सबके ही भाव बढ़ा दिया। क्या मांगे आपकी साथ में? महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई बढ़ गई है तो इस बार दिवाली पर कुछ असर रहेगा? ठीक रहेगा क्या? अच्छा रहेगा? ठीक रहेगा नहीं तो क्या रहे चाहिए आपको? बाकी फसल का दाम ज़्यादा मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। तो देखा आपने, महंगाई की मार ने आम लोगों को दिवाली पर खुशी से मनाने से वंचित कर दिया है। अब पहले से ज्यादा सोच समझकर खरीदारी करनी पड़ रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार बाजार में भीड़ कम है। लोग त्योहार मनाने के लिए कम खर्च कर रहे हैं। राजगढ़ से अनादि टीवी के लिए चंचल जैन की रिपोर्ट।